यहाँ हम देख रहे हैं विद्यालय का अपना ध्वज और उसकी चारों हाउसेज की ध्वज और उनकी हेड गर्ल के नेतृत्व में खड़ी टीम जो अभिभावकों से अपने अभिभावकों के लिए उनके स्वागत से लेकर के उनके हुए यूटी थर्ड के परीक्षा परिणाम तक की सर पूरी तैयारी की है। हमारे साथ इस विषय पर बात करेंगे हेड गर्ल कोमल। आइए हम बात करते हैं कि आज की पीटीएम को लेकर के उनकी क्या है तैयारी। हम पेरेंट्स आएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे कि आपको हमारा स्कूल कैसा लगा है और मतलब हमारी को स्कूल की कमियां हैं तो वो भी बताएं। तो अभी आपने कोमल ने सुना कि वो विद्यालय की गतिविधियों को लेकर के अपने पेरेंट्स से चर्चा करने वाली हैं, जबकि मैंने जो पाया है वो पाया ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप अभिभावकों का तिलक लगा करके स्वागत किया गया विद्यालय गेट पर पहुँचने पर, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन और अंतिम प्रक्रिया के रूप में एक सजेशन बॉक्स रखा गया था जहाँ अभिभावकों के द्वारा उनके सजेशन को लिया गया और बिटिया कोमल रानी ने बताया कि आज वो अपने पेरेंट्स से इस विद्यालय में उनके बच्चों के जो अनुभव हैं उनको साझा करने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो सर? बढ़िया, ठीक है जी। आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? मेरे बच्चे एक LKG में, एक फोर्थ में और एक UKG में। आपको अपने बच्चों का रिजल्ट कैसा लगा? बढ़िया रिजल्ट लगा जी, अच्छा रिजल्ट है, टॉप रिजल्ट है। आप हमारे स्कूल स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में सब टीचर बढ़िया हैं और जो LKG में जो है नविता मैडम, वो सबसे मेरे को बेस्ट लगी जी, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल नहीं आता था ना, वो इन मैडम के पास ही आता है। बढ़िया बढ़िया केयर करते हैं। कैसे सर, क्या हुआ ऐसा? ऐसा बच्चा घर पे रख लिया ना, नहीं पता करना, मैं किताब ले जा रहा है, बोलना मैं तो मैडम के खेल गया हूँ, मैं तो मैडम ही पढ़ा देगी, मैं तो नहीं पढ़ा दिया मैंने, पढ़ाई अच्छी है, मतलब फ्रेंडली नेचर है। हाँ थैंक यू सर। ठीक है वो मेरे। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में? तीन बच्चे हमारे यहाँ, एक छोटी LPG में, एक फर्स्ट में, एक क्लास में। अच्छा, आप स्कूल की प्रैक्टिस? नमस्कार दीदी, तो बताओ आपको स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बढ़िया है। कैसा लगा दीदी? बढ़िया। आप किस ग्रेड में पढ़ते हैं? 1st में है, 2nd में। हमारे स्कूल में कैसा रिजल्ट आएगा? बढ़िया है, पहले से ठीक है। कितने सालों से पढ़ रहे हैं? ये होगी फिर तुम्हें शुरू से ही पढ़ रहे हैं? हाँ शुरू से यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं मेरी सिस्टर का देखने आई हूँ जो मुझसे छोटी है, 12th क्लास में। तो आपको स्कूल की क्या चीज़ें अच्छी लगती है स्कूल मेरे? मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ, आप सबको पता है इस चीज़ का, मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने यहाँ मतलब मैं बचपन से यहीं पढ़ी हूँ, तो मैं यहाँ कमी तो किसी प्रकार की नहीं निकाल सकती क्योंकि मैंने आज तक कोई कमी देखी नहीं है। मैं यहाँ एक बच्चे की तरह पढ़ी हूँ, मतलब मेरी जो प्रिंसिपल है वो मेरे पेरेंट्स की तरह रही है, उन्होंने बिल्कुल मेरे को अपनी माँ की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल किया था, बहुत अच्छा था आपका, जो स्टेट के जो कल्चर एक्टिविटी दिखाई गई थी बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि LB स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल है अपने पूरे इलाके में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई करवाए, बच्चों को खेल क्षेत्र में और कल्चर एक्टिविटी में हिस्सा दिलाए। सर आपका नाम? प्रमोद मेहरा। प्रमोद जी, आपकी बच्चे LB स्कूल में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? करीब करीब हो गए 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्षों से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, आप इस स्कूल को बखूबी समझते होंगे, आपने इन बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाया, आपको इस स्कूल का वातावरण और शैक्षणिक वातावरण कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया है सर। आपने इनके बच्चों की पिछले कई वर्षों की गतिविधियाँ देखी होंगी, हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगे कि वो गतिविधियाँ कैसी रही? देखो यहाँ जो है बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली भी फिट रहता है और या कोई भी तरह की कोई शिकायत नहीं आती है, अगर कोई कमी दिखती है और मैडम को अगर बोलते हैं तो उस पर ध्यान भी देते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा लड़का आर्यन 10th में है और लड़की 12th में है, कॉमर्स। आप दोनों बच्चों की पढ़ाई से उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी 100%। और दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि LBS जो स्कूल है उसमें बच्चों को भेजें, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ और सब तरह की सुरक्षा है। सनराइज न्यूज़ नेटवर्क के बात करने के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एडमिशन LBS स्कूल में क्यों करवाया? क्योंकि जी बढ़िया पढ़ा करवाया। कौन सी कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप? मेरा बच्चा 2 साल हो गए। आप उनकी पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं? आप उनकी पढ़ाई से संतुष्ट हैं? हाँ। उनका वातावरण कैसा लगा, मतलब कोई? बहुत अच्छा है। और यहाँ का स्टाफ मैम? वो भी बहुत अच्छा है, वो तो बच्चे में खुद ही दिखाई दे रहे हैं। मैम बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? हाँ पहले से बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, मान ले आगे बढ़ने के लिए भी सही है। वो इधर पढ़ रहा है 5 साल। 5 ईयर्स से? हाँ। आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया? हाँ।
आपको आपने एलवी स्कूल ही क्यों चुना मतलब उसकी स्टडी के लिए? क्योंकि मैम ये मेरे को अच्छा लगता है, पहले भी मैं 5 साल यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ, मेरा यह स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, और कोई भी बात हो छोटी मोटी तो कह देते हैं, बिल्कुल केयर करता है। कितने सालों से पढ़ते हैं आप? स्कूल एक्सपीरियंस कैसा है? आपकी जो लड़की है कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 5-7 साल से। क्योंकि हमें अच्छा लगा इसमें, मतलब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब बच्चे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फैसिलिटी आपको कौन सी लगी जो दी बेस्ट फैसिलिटी स्कूल में? के दर्शकों के लिए क्या आप स्कूल की एकेडमिक और इसके वातावरण से और इसकी जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए उससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सर। आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या रहेगा संदेश सर? दर्शकों के लिए ये सर कि स्कूल अच्छा है, बेटर स्कूल है, पढ़ाई अच्छी होती है। आपका आपका बच्चा स्कूल में कैसा रहता है? बिल्कुल अच्छे से रहता है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, बहुत बढ़िया है। स्कूल के टीचर्स के बारे में क्या राय है? सभी टीचर्स बढ़िया हैं, फैमिली की तरह लगते हैं। और एलवी स्कूल के वातावरण आपको कैसा लगा? मैं खुद पहले यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ तो उनको फैमिली जैसा फील होता है। कितने ईयर से आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से यही। स्टार्टिंग से यही सर, आपको ऐसी क्या खास बात लगती है जो आपके बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं? स्कूल का एनवायरनमेंट बढ़िया है, टीचर्स सारे अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेट करने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला बढ़िया पढ़ाई। उनकी पढ़ाई ठीक है जी। अब आपको हमारा स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। सर आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दोहित है। क्लास समझ बेटा कौन सा करने में है? दैट्स क्वीन। सर कितने साल से पढ़ते हैं? ये तो होगी है 4 साल। 4 साल सर। सर एलवी स्कूल में आपको ऐसी क्या खास बात लगती है? खास बात लगती है बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया टॉपर पढ़ते हैं, ठीक साफ सफाई है, हमने तो बढ़िया लगता है। आपको अच्छा लगता है? सर यहाँ के टीचर्स की क्वालिटी क्या है? बढ़िया है, सारी अच्छी लगती है उनको, सभी अच्छी लगती है। सर आपको स्कूल में कोई ऐसी बात लगती है जिस पे स्कूल को मतलब काम करना चाहिए, कोई कमी? ना कोई कमी, हमारे तो पड़ोसी है मैंने की। और मतलब हमारे स्कूल की कुछ खासियत बताएं? सब ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं विद्यालय का